हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ जियोग्राफी चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है ये हमको सबको पता है, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है ना, हमारे आसपास का जो माहौल होता है उसे क्या कहते हैं, हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट क्या है, वातावरण क्या है, ये हमारा मुख्य लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, ये हमें क्या कह देता है, एयर देता है जिसमें हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जो हम पीते हैं। द फूड वी ईट, वो खाना जो हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और वो ज़मीन, वो भूमि, वो जगह जहाँ हम रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, एनवायरनमेंट बनती हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, वो इस नेचुरल है ना प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको किस तरीके से परिवर्तित करता है। तो द कार फॉर्म्स पॉल्यूट द एयर, कार क्या करती है, एयर पॉल्यूट करती है। वाटर इज कलेक्टेड इन द पॉट, पानी को बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, बर्तनों में खाना सर्व किया जाता है, परोसा जाता है। द लैंड इज यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और जो ज़मीन है, जगह है, उनका प्रयोग किस लिए करते हैं, फैक्ट्रीज बनाने के लिए करते हैं। द ह्यूमन बींग मेक्स कार, मील्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो मनुष्य है उसने क्या क्या बनाया, कार बनाई, मील्स बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, बहुत सारे कंटेनर्स मैन्युफैक्चर किए, अलग अलग चीज़ों का, तरह के सामानों का क्या करा, निर्माण किया। एंड दिस इज़ हाउ, और इस तरह से ह्यूमन बींग ने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक वातावरण है, जो प्राकृतिक वस्तुएं थी, उनको मॉडिफाई करा, उनको अपने प्रयोग के लिए परिवर्तित किया। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल कौन से हैं, ह्यूमन मेड कौन से हैं, और ह्यूमन किन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, वाटर। वाटर क्या है, हाइड्रोफेज है। एयर क्या है, एटमोफेज है। लैंड क्या है, लिटलोफेज है। और लिविंग थिंग्स क्या हैं, बायोफेज है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके फोर पार्ट्स हैं, कौन कौन से, लिटलोफेज, एटमोफेज, लिटलोफेज और बायोफेज। तो इसकी तरह जो कंपोनेंट्स है, जो ह्यूमन मेड्स है, वो कौन कौन से, एक बार देखिए साइड में आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखिए बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, है ना, जो मॉन्यूमेंट्स हैं यानी कि रिलीजियस जो चीज़ें हैं वो हैं, इंडस्ट्रीज हैं। और ह्यूमंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है, देखिए इंडिविजुअल जो ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ पे कंसीडर होता है, उसकी फैमिलीज यहाँ पे कंसीडर होती हैं, कम्युनिटीज़ यानी जो समाज है वो यहाँ पे कंसीडर होता है, रिलीजन्स यानी उसके धर्म, ये सब चीज़ें भी, एजुकेशनल उसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पे आती है, इकोनॉमिक उसकी जो आवश्यकताएं हैं जिसके लिए वो धन अर्जन करता है ना, उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो यहाँ पे हम उसकी बात करते हैं। और फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस की, तो इंक्रीज डे बाय डे ना, जैसे कि जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग सराउंडिंग। ठीक है, तो जिस तरीके जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमें क्या हो रहा है, हमें चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, आवश्यकता हो रही है, तो मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को, और इसके लिए क्या करते हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो देखिए इसके दो पार्ट्स हैं, यहाँ पे हम देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक। तो हमने देखा, अभी हमने बताया आपको कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स क्या हैं, ह्यूमन नेचुरल और ह्यूमन मेड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी जब हमने बात करी तो हमने क्या किया, हमने एक कन्वर्सेशन किया ना, जिसमें आपने क्या समझा कि प्लेस पीपल थिंग एंड नेचुरल दैट सराउंडेड बाई एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन केयर मेड थिंग्स। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ बोथ
बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलीज द एक्टिविटीज क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बींग. तो अपने विकास के लिए चीज़ों को यूज़ करना, उनसे नई चीज़ों को बनाना, ये सब यहाँ पे आता है. बायोटिक में क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट एंड एनिमल जो कि पहले से ही प्रकृति में है वो बायोटिक हैं. एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स एंड एलिमेंट्स है जैसे कि लैंड, वो क्या है, एबायोटिक्स है. तो आज हमने अपने इस क्लास के अंदर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट को देखा, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देखे, उसको किस तरह से एबायोटिक क्या है, बायोटिक क्या है, ये हमने यहाँ पे देखा. और हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट को और ह्यूमन एनवायरनमेंट्स को. सो टिल दैट कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.